झूठे हो हम ही दोषु जन देहू दुई के चारी आंगी मकुले झूठे हो हम दोषु जन मत बनाओ। हमारे परिवार कुल की ये रीति है कि हम कभी झूठे नहीं होते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसका कारण क्या है? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ से बड़ा पाप का पुंज दूसरा कुछ नहीं है। थोड़ा मोड़ा नहीं, कई कुंटल समझ लीजिए, इतना पाप होता है झूठ बोलना। और सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, जो सत्य बोलने वाले होते हैं ना, सिर्फ सत्य बोलने के कारण, उनके सत्य बोलने से उनको ढेर सारा पुण्य प्राप्त होता है। पी वजह अनावश्यक झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, गए धस गए वहीं। यहाँ घर में इंतजार हो रहा, बाबू आओ खाना खा लो, फोन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? बस आ रहे हैं, आने में भी आधा घंटा लगा दी। जहां भी जाइए बता के जाइए, ठीक है? 5 मिनट ही जाइए, बताइए मैं कहां जा रहा हूं। घर वालों को मालूम तो रहेगा किस लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और पति पत्नी को तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी जा रहे हैं चुपचाप बता दीजिए, ना बताएं तो सीसीटीवी कैमरा करेजम फिट करा जा और जीपीएस, हाँ अपने आप पता चले, टू 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 बताता रहेगा। लेट हो आप वर्जित बालक हैं, वो कहीं जाते हैं जिसे लेट होता है, पत्नी की कहती वीडियो कॉल करो, कहाँ पर हो हम देखना चाहते हैं, समझे? ये उनकी कमाई है और कुछ नहीं है, हाँ भरोसा तोड़ दिए है, हर जगह वीडियो कॉल पर उपलब्ध रहना पड़ता है। धोखा देने वाले इतने चतुर हैं कि वीडियो कॉल भी करा लीजिए तो भी वो धोखा देने में सफल हो जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं हमें दोष मत दो, जो चाहिए मांग लो। पर जो हम बताए हैं इससे सीख ही लीजिएगा कि जीवन में झूठ बोलना बंद कर देना, एकदम बंद कर देना। किसी दूसरे को हम धोखा नहीं देते हैं,
हम खुद को धोखा देते हैं और परमात्मा को धोखा देते हैं। और सच्चाई है कि परमात्मा को धोखा देने में कोई भी समर्थ नहीं है, उनको सब मालूम है, करे जम बैठ के हाँ सब देख रहे हैं। और फिर खुद को भी क्यों धोखा देना है, दूसरे को भी नहीं देना।